बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ शेफ़ अक्सा और आप देख रहे हैं शेफ़ नाइफ़। शेफ़ नाइफ़ किचन में आज बनने जा रहे हैं पोटैटो केक। हम इन्हें स्टफ़ पोटैटो कबाब भी बोल सकते हैं। चले आइए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। मैंने लिए हैं आधा किलो उबले हुए आलू और इनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। आलू को मैश करने के बाद इसमें मैंने डाला 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फिलिंग की तैयारी करते हैं। फिलिंग के लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, लहसुन 2 चम्मच फाइन चॉप यानी कि छोटा छोटा काटा हुआ, लहसुन को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। लहसुन को पकाने के बाद मैंने डाला प्याज, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया था, आधी शिमला मिर्च, 1 छोटी गाजर, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैंने डाली बंद गोभी 1 कप, उबला हुआ चिकन 1 कप। चिकन को मैं उबाल के इसके रेशे अलग कर लिए थे। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सोया सॉस, विनीगर, ये सारी चीज़ें मैंने आधा आधा चम्मच डाली, नमक छोटा चाय का चम्मच, काली मिर्च छोटा चाय का चम्मच। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने डाला ओरिगैनो छोटा चाय का चम्मच, पेपरिका छोटा चाय का चम्मच। इन सब को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। फिलिंग हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब एक कटिंग बोर्ड पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम आलू रखें इसके ऊपर वो नीचे चिपक ना सकें। अब थोड़े से आलू लेंगे और छोटी सी गोल शेप में इसको ले आएंगे और इसके ऊपर रखेंगे फिलिंग। फिलिंग ज़्यादा नहीं डालनी, अगर फिलिंग ज़्यादा डालेंगे तो हमारा कबाब बंद नहीं होगा। फिर थोड़े से आलू लेंगे हाथों की मदद से, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और एक कबाब की शक्ल में इसको बना लेंगे। सारे कबाब इसी तरह बना लेने हैं। ये 1 कबाब बन के तैयार है, बाकी कबाब भी इसी तरह बना लेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको गर्म करेंगे। कबाब को इतना पकाएंगे कि एक साइड से वो रेड हो जाए। जब एक साइड से अच्छे से पक जाएगा तो साइड चेंज कर देंगे।
ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तकरीबन 5 मिनट दोनों साइड से लग जाएंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, अगर हम फ्लेम को ज़्यादा कर देंगे तो ये जल जाएंगे। ये ऑलमोस्ट एक साइड से पक चुका है, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये कलर देखें, सिर्फ इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें इसको नॉन स्टिक की पैन में ही बनाएं। ये बनके तैयार है। इसी तरह हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। इस रेसिपी को आप टी टाइम के लिए बना सकते हैं, या अगर कभी आपके अचानक मेहमान आ जाएं तो आप फ़ौरन से ही बना सकते हैं। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत मज़े की होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।